अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर दानियाल, आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुए हैं एजे एसोसिएट्स के नाम से। तो बेसिकली एजे एसोसिएट्स आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहेगा, आजकल बहुत हमारे पर कॉल्स आ रही हैं इस हवाले से कि बहरिया के अंदर अगर वो लोग शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो क्या तरीक़ेकार है, गेट से सामान को लाने नहीं दिया जा रहा, रेजिडेंट अंदर नहीं आ सकते अगर कोई नई रेजिडेंसी चाह रहा है, लोग यहाँ से शिफ्ट आउट नहीं हो पा रहे। तो 2 मई 2020 बहरिया ने एक जो है लेटर निकाला है जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली स्टेट किया है कि प्रोसीजर क्या होगा फ्रॉम शिफ्टिंग इन एंड आउट ऑफ बहरिया टाउन कराची। तो बात की जाती है कि सबसे पहले जो लोग शिफ्ट इन होना चाहते हैं वो लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है ओनर और टेनेंट, अगर ओनर खुद हो रहे हैं तो वो सिंगुलैरिटी पे वो खुद अपना जो है एक एप्लीकेशन लिखेंगे हमारे जो पोजेशन डिपार्टमेंट है उसको। अगर किसी को टेनेंसी एग्रीमेंट पे दे रहे हैं वो दोनों का जॉइंट एक एप्लीकेशन जो है वो लिखी जाएगी पोजेशन डिपार्टमेंट को, एग्जैक्टली ये बताते हुए कि वो पाकिस्तान के किस कोने से शिफ्ट हो रहे हैं। एक बात, सेकंड पॉइंट की तरफ चलें तो पोजेशन डिपार्टमेंट जो है वो उस एप्लीकेशन को जो है प्रोसेस करेगा और लगेज को जो है बहरिया में कब लेकर आना है, और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है वो उसके साथ साथ जो है हर एक रेजिडेंट को, जो भी रेजिडेंट रहने के लिए आ रहा है उस रेजिडेंट को एक कार्ड इशू करेगा जिसको रेजिडेंट कार्ड कहते हैं। अगर उनके पास कोई गाड़ी है तो उसके लिए कार का जो है स्टिकर इशू होगा, और अगर हमारे पास जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात की जाती है कि उनके पास कोई मेड है, कोई नौकर है जो कि साथ में आएंगे, तो वो जो है उनके लिए भी एक कार्ड इशू किया जाएगा उसके अंदर। चलते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट जो हमारा बेसिकली स्टेट करता है अकॉर्डिंग टू द पेपर वो दैट कि एक पर्टिकुलर डेट दी जाएगी जिस दिन लगेज को लेकर आया जाएगा बहरिया टाउन कराची के अंदर। उसकी सर्टेन टाइमिंग्स दी हैं उन्होंने, सुबह 9 से 12 के दरमियान लगेज को बहरिया टाउन कराची के अंदर लेकर आया जा सकता है अंडर सुपरविजन। अच्छा, बात की जा रही है कि लगेज तो ला रहे हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसका डिसइंफेक्शन डीइंफेक्शन करने का क्या तरीका होगा, तो ये ज़िम्मेदारी दी गई है उस ओनर पे या उस टेनेंट पे जो कि शिफ्ट हो रहा है कि वो अपना तमाम सामान जो है वो डिसइंफेक्ट करेगा इन द प्रेमिसेस ऑफ हिज ओन हाउस जब वो सामान जो है बहरिया टाउन के अंदर शिफ्ट कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ बताइए जो कि थोड़ा सा हमारे सामने एक प्रिकॉशन लिया गया है कि जो रेजिडेंट हैं वो बिफोर के प्रॉपरली बहरिया को पता चले कि इन लोगों में से किसी को कोरोना वायरस तो नहीं है, तो उसके लिए एक प्रिकॉशन ली गई है, वो ये है कि बहरिया टाउन अपने हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट मांगेगा। उस हर रेजिडेंट जो कि बहरिया टाउन में शिफ्ट होगा वो एक टेस्ट कराएगा, एंड वो टेस्ट जो है बहरिया टाउन हॉस्पिटल से होगी, और वो टेस्ट कराने के बाद जो है उनको उनके रेजिडेंट पर लेके जाके पाँच दिन के लिए दरवाजे को सील कर दिया जाएगा, विच विल इंक्लूड द ओनर और द टेनेंट जो कि रह रहे हैं उसकी पूरी फैमिली समेत। तो 5 से 7 डेज का तमाम इंतज़ाम जो भी खाने पीने का है वो सब उनको करना होगा, और जो वाटर सप्लाई है उसका वाटर सप्लाई और तमाम चीज़ों के जो है वो फ़ोन पे रब्ता होकर वो अपने इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, 5 दिन जो है वो टोटली सील होगा, जिस दिन वो आएंगे वो दिन काउंट नहीं होगा, जिस दिन वो डी सील होगा वो दिन काउंट नहीं होगा। उस प्रोसीजर को करने के लिए जो है बहरिया टाउन एक अपॉइंट करेगा अपने डिपार्टमेंट से एक बंदे को, वो आएगा, वो साइन करता है उस सील के ऊपर, और वही जो है उसको ओपन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द ओनर या फिर टेनेंट जो भी शिफ्ट होना चाहते हैं। बात की जाती है कि उसके दौरान जो है जब टेस्ट आएगा, अगर 5 दिन के अंदर जो टेस्ट उनका विद इन 24 आवर्स बहरिया टाउन जो है वो टेस्ट के रिपोर्ट्स दे रहा है, 24 से 3 दिन के बीच में मिल रहे हैं टेस्ट रिपोर्ट्स, तो उसके दौरान जो है वो नेगेटिव आना ज़रूरी है। एक ये चीज़, वो अगर नेगेटिव नहीं आता तो उनको बहरिया हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, तो इसके लिए भी जो है उनको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है या फिर आप कह सकें एक कंसेंट देना पड़ता है कि ये बहरिया राइट रखता है इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा, 5 दिन के बाद जब कोरोना टेस्ट हमारा नेगेटिव आ जाएगा तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है वो उनको अलाउ कर देगा, दे कैन कैरी ऑन देयर नॉर्मल वेल बीइंग इन द सोसाइटी ऑफ बहरिया टाउन कराची। तो ये कंक्लूड करता है बेसिकली द नेचर ऑफ द जो इन्होंने अभी एक रिलीज़ किया है, ये लेटर रिलीज़ किया, उसका नेचर ये कंक्लूड करता है। इसके ऊपर स्ट्रिक्टली अमल किया जा रहा है बहरिया टाउन कराची के अंदर, और जो लोग भी बहरिया टाउन शिफ्ट होना चाहते हैं या बहरिया टाउन से बाहर जाना चाहते हैं, बहरिया टाउन से बाहर जाने वाले जो हैं वो भी एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि दे आर मूविंग आउट ऑफ बहरिया, और फिर उनको भी जो है अपना टेस्ट कराना होगा और टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए।
ताकि बाहर भी जो है इन्फेक्शन अगर खुदा ना खासा उनमें से किसी को है तो इन्फेक्शन बाहर ना स्प्रेड हो। वो कराने के बाद बहरिया टाउन उनको एक डेट देगा, उस डेट पे सर्टेन डेट पे वो लोग जो है अपना लगेज यहाँ से मूव आउट कर सकते हैं और वो सरेंडर करेंगे अपने रेजिडेंट कार्ड्स बहरिया टाउन के अंदर। तो दिस कंक्लूड्स द होल प्रोसीजर कि किस तरीके से जो है पीपल कैन शिफ्ट इन एंड आउट विदाउट स्टिकर। गाड़ियों को आने नहीं दिया जा रहा इन टू द रेजिडेंस, ये एक प्रिकॉशन लिया गया यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए ताकि जो है इस मुश्किल हालात में जो है उनकी प्रोटेक्शन की जा सके। गाड़ी के ऊपर स्टिकर नहीं होगा तो वो अंदर नहीं आ सकते। तो पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम फार प्लेसेस, क्वेटा से, हैदराबाद से, दूसरी जगहों से, तो उनके लिए ये है कि हेड ऑफिस तो ओपन है उन लोगों के लिए लेकिन सिर्फ हेड ऑफिस की टाइमिंग्स के ऊपर। हेड ऑफिस के बाहर भी डी इन्फेक्शन बूथ लगा हुआ है, दे हैव टू गो थ्रू इट। मास्क कंपलसरी किया हुआ है हर रेजिडेंट के लिए, घर के गेट से बाहर जाते हैं मास्क कंपलसरी किया हुआ है उन्होंने। तो इन चीज़ों का जो है बहुत ख्याल रखना होगा और स्टे सेफ और इस प्रिकॉशंस को फॉलो करिए। इस हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, बहरिया टाउन की हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं और एजी एसोसिएट के पेज के ऊपर आप जो है कमेंट करके हम बिल्कुल इसका आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।